मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मेरे दो बार दर्शन हुए। एक बार मैं तो जब आप इस रस्ते से आएंगे तो ये सामने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, जहाँ के लोग खड़े, ये लाइन है मंदिर की। बता दो, इस समय सरकारी रेट चल रहा है, VIP दर्शन वाली लाइन डायरेक्ट यहाँ से कर दिया रास्ता। 5 घंटे 15 मिनट मुझे लगे। ट्रैक शुरू, श्री भैरवनाथ मंदिर मार्ग, बच्चा तक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर महादेव बोलेंगे तो बुलबुले उठेंगे यहाँ पे। पर ये भी एक मंदिर है, मंदाकिनी सरस्वती मंदिर। दिल्ली में गौरीकुंड पहुँच गया हूँ, लाइन लगी हुई है टैक्सी की फोन करने के लिए। होटल में आया हूँ जिसका मुझे 2000 रुपये पे करना पड़ा। 50 पैर डाल रखे गर्म पानी में, क्योंकि उत्तराखंड के हो और अगर आप दिल्ली या मुंबई या जहाँ भी रहते हो, प्लीज अपना आधार कार्ड जो है उत्तराखंड के एड्रेस पे बनवाओ, बहुत बेनिफिशियल है धाम के लिए। आपको एंट्री मिलती है क्योंकि लोकल्स को प्रिविलेज मिलती है और एंट्री अच्छे से हो जाती है। मैंने बात करी, हालांकि मेरे पास ID नहीं थी, मेरे पास दिल्ली की ID थी, स्टिल उन्होंने कंसिडर कर लिया बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। यस, तो ये बहुत अच्छा था क्योंकि ना इन लोगों को यहाँ से मैं लगा हुआ था इन लोगों के लिए, पर इन लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, पुलिस वाले बहुत बदतमीजी कर रहे थे। तो फाइनली, लेकिन अब इन लोगों ने भी दर्शन कर लिए, अब जूते पहनते फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ भीमशिला। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एक पत्थर था जब यहाँ पे आपदा आई थी, जब ऊपर से जब पानी आया था, ये पत्थर भी उस फ्लड के समेत आया था। और जब ये पत्थर आया था तो हो सकता था कि ये पत्थर केदारनाथ मंदिर से टकरा जाता या कुछ बात हो जाती है और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन ये पत्थर यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ये पत्थर रुक गया और इसके आगे ये पत्थर नहीं गया और इसने सारा पानी रोक लिया और आगे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, इसलिए इसको भीमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि भीम ने खुद आके यहाँ पे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। तो अब चलते हैं भीमशिला, आपको दिखाता हूँ, यहाँ दर्शन करते हैं और फिर हम लोग जाएंगे सीधे जो है आदि शंकराचार्य जी, जिनने यहाँ का निर्माण किया था, तो उनकी प्रतिमा है आगे जाके, तो वहाँ चलेंगे उसके बाद। तो दोस्तों भीमशिला के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आदि शंकराचार्य जी के पास, जो आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, वहाँ चलते हैं और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे भैरवनाथ मंदिर के लिए, जो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि जब तक आपने भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करे तब तक आपकी केदारनाथ की जर्नी पूरी नहीं होती है। तो ये सामने देख रहे हैं, ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, मैं आपको सामने से जाके दिखाता हूँ। जब आप इस रस्ते से आएंगे तो ये सामने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसके दर्शन करने के बाद फिर आप निकलेंगे भैरव मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये साइड के दरवाजे वाली लाइन है और इसमें भी देखो कितनी भीड़ है, जो VIP में VIP दर्शन वाली लाइन। खाली नॉर्मल दर्शन करने या गर्भगृह के भी दर्शन करें। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से होते हुए आगे भैरवनाथ मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, पिछली बार तो हम पूरा यहाँ से ऐसे घूम के गए थे, ठीक है, यहाँ से पूरा आगे से घूम के गए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट यहाँ से कर दिया रास्ता, तो ये ज़्यादा बढ़िया कराया, वरना बहुत लंबा चलना पड़ता, वरना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, देख लोगे आप, तो इसलिए रास्ता डायरेक्ट यहीं से कर दिया। चलते भैरवनाथ मंदिर और दर्शन करके आते। पिछली बार तो आरती अटेंड करी थी पूरी, इस बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भैरवनाथ मंदिर जाएंगे सबसे पहले ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वो आप सामने देख लोगे, वहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा और वो जाके भैरवनाथ मंदिर आप पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रैक शुरू, श्री भैरवनाथ मंदिर मार्ग, और यहाँ से ट्रैक आपका कम से कम 1 किलोमीटर का है, उसके बाद भैरवनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं और ट्रैक शुरू करते हैं फिर से। तो गाइस, हम वहाँ की साइड थे केदारनाथ मंदिर की तरफ और अब हम यहाँ आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर, ये देखिए। पिछली बार तो पूरी आरती अटेंड करी थी एंड पूरा ब्लॉक किया था उसका।
दर्शन करते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर के पास सामने बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही हैं, देखो अभी ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं है, तो वापस नीचे जाएंगे टेंट्स में। फ्रेंड में भैरवनाथ मंदिर से नीचे उतरा ही था, मैं सोचा यहाँ से चल देता हूँ, यहाँ से पुल आएगा वापस निकल जाऊँगा। और ये आप देख रहे हो ये लोग खड़े, ये लाइन है मंदिर की, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद सीधा जाके फिर मंदिर तो बहुत देर बाद शुरू होता है। यहाँ तक श्रद्धालु लगे लाइन में, इनका नंबर पता नहीं कभी आएगा। ये देखो देखो बच्चा तक यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों जो आप केदारनाथ यात्रा करते हैं, मतलब आ रहे होते हैं या फिर वहाँ से जा रहे होते हैं, तो ये कुंड पड़ता है रास्ते में, तो यहाँ भी आपको दर्शन कर लेने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि अगर आप हर महादेव बोलेंगे तो बुलबुले उठेंगे यहाँ पे, तो ये वाला वो कुंड है। तो गाइस जब केदारनाथ चढ़ोगे ना तो आप शायद क्योंकि हर कोई यहाँ से ऐसे भी निकल जाता कि इधर साइड से आता ना, पर ये भी एक मंदिर है मंदाकिनी सरस्वती मंदिर। जब आप नीचे पाओगे तो यहाँ पर बोर्ड दिख जाएगा, तब नोटिस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स केदारनाथ से कुछ 1.5 किलोमीटर पहले ये देखो आपको घोड़ा स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ पर फिर जगह घोड़े, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो फिर से बता दो इस समय तो सरकारी रेट चल रहा है 1910 रुपये चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये पत्थर अभी रिसेंटली गिरा है, तो बहुत ध्यान रख के चलना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे थे परसों तो ये नहीं था यहाँ पे, मैं 100% श्योर हूँ। तो गाइस आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है चलते चलते, और आधा रास्ता बचा है, तो अभी मैं कुछ नाश्ता करने बैठा हूँ, बन मक्खन और कॉफ़ी, फिर अपना आधा रास्ता कवर करूँ। 2 या 3 घंटे लगेंगे मुझे, 3 घंटे अप्रॉक्स मुझे गौरीकुंड पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से देखते हैं, सोनप्रयाग जाता हूँ, गौरीकुंड में स्टे करता हूँ अभी, वो लोग अभी नहीं आए क्योंकि उनको आरती अटेंड करनी थी, तो वो कल सुबह निकलेंगे, और तब तक यह है कि मैं रेस्ट कर लूँगा। गाइस फाइनली मैं गौरीकुंड पहुंच गया हूं, मैं पहुंचने मुझे लगे 5 घंटे 15 मिनट मुझे लगे गौरीकुंड पहुंचने में। अब यहां से टैक्सी लेंगे और सोनप्रयाग जाके आराम से रुकूंगा। ये पाजी थे मेरे साथ, इनने ये 4-5 किलोमीटर पहले मिल गए थे, तो हम बात करते करते साथ में आ गए। तो गाइस ये देखो ये लाइन लगी हुई है टैक्सी की सोनप्रयाग के लिए गौरीकुंड से, और चलते सोनप्रयाग गया, वहीं जाकर रुक गया, बहुत हो गया। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं सोनप्रयाग पहुंच गया हूं, 5 घंटे 45 मिनट मुझे लगे गौरीकुंड पहुंचने तक, वहां से 45 मिनट्स मैं लाइन में खड़ा रहा, तब जाके मुझे टैक्सी मिली सोनप्रयाग से जिसने 50 रुपीज़ लिए और मुझे सोनप्रयाग छोड़ा। उसके बाद मैं यहां होटल में आया हूं जिसका मुझे 2000 रुपये पे करना पड़ा, एक 1500 का भी था क्योंकि सिंगल में नहीं मिलते हैं यहाँ पे इतनी जल्दी, 1500 का वो बहुत ही गंदा बहुत ही बुरा रूम था, तो मैंने उसको प्रेफर नहीं करा, मैंने 2000 कर लिया क्योंकि ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बहुत ही ख़त्म था। आप देख ही सकते हो देखो पैर डाल रखे हैं गर्म पानी में क्योंकि गंदी हालत थी। मैं बहुत बहुत जल्दी आया हूँ नीचे को, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मेरे 2 बार दर्शन, एक बार मैं दर्शन करके आया, उसके बाद अक्षिता लोग वहाँ से अंदर को आ गए दूसरे वाले डोर से, और उसके बाद मैंने फिर से दर्शन करे और गर्भगृह के भी दूर से दर्शन करे। अब मैं जब फैमिली के संग कभी ऊपर वाली की कृपा रही फैमिली के संग आया, तो फिर उसके बाद गर्भगृह के भी दर्शन करूंगा। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो यहाँ तक देख लीजिए तो एक लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा इस वीडियो का, और इसी तरह ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल, लव ऐसा जी, जय हिंद।